नमस्कार, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे संयोजकत्व सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व तथा ज्योमिति की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हेक्सासाइनोफेरेट का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D में 6 4s2, 4p में 0। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4s के सबसे आउटर शेल में 4s इलेक्ट्रॉन है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6, 4s में 0, 4d4p में 0। चूँकि यहाँ पर साइनाइड लिगेंड है, तो साइनाइड की प्रेजेंस में आयरन के इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। यानी साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसकी प्रेजेंस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए पेयरिंग के लिए सफिशिएंट होती है। तो वहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, 6 के पेयर हो जाएंगे और 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। और इस तरह से d2sp3 संकरण होगा और d2sp3 संकरण में, यानी कि अंदर के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो इन इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर स्फीयर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस हम कहते हैं इनको। और इन 6 खाली ऑर्बिटल में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइनाइड अपने लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चूँकि ये d2sp3 संकरण है इसलिए इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदर के ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब यही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसलिए इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। इस आधार पर और इसके बाद हम लेते हैं K3Fe F6 का एग्जांपल। यहाँ पे हम देख रहे हैं यह एक उच्च संकरण संकुल का उदाहरण है, या हम कहें आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसकी तुलना हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स K3FeCN6 से कर सकते हैं, जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साइनाइड के स्थान पे यहाँ पे फ्लोराइड ले लिया है लिगेंड। इन दोनों संकुलों में बहुत बड़ा अंतर है जो इन चुंबकीय गुणों में से ज्ञात होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं K3FeCN6 यानी हेक्सासाइनोफेरेट यहाँ का चुंबकीय आघूर्ण एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जबकि साइनाइड की जगह अगर हम फ्लोराइड ले लेते हैं, क्योंकि फ्लोराइड वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड होने के कारण इसमें अंदर के ऑर्बिटल के में पेयरिंग नहीं होगी और यहाँ पे बाहर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। यानी कि यहाँ पे sp3d2 संकरण होगा, बाहर के डी ऑर्बिटल भाग लेंगे। इस तरह इसीलिए ये कुछ संकरण या कहें आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। चूँकि इस कॉम्प्लेक्स में अंदर के ऑर्बिटल पेयरिंग नहीं हुई है, इसलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। sp3d2 संकरण है तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। तो साइनाइड और फ्लोराइड दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दोनों का अंतर होने के कारण इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड।
इस अंकुर में कोबाल्ट आयन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट टू प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 होता है, अतः इसमें हुन के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के पश्चात भी d2sp3 संकरण की संभावना नहीं रहती, लेकिन इसके चुंबकीय गुणों से यह प्रदर्शित होता है कि यह यौगिक एक निम्न चक्रण का संकुल होता है। पॉलिंग के ने इसके लिए ये स्पष्टीकरण दिया कि एक 3d इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे कि जिससे 2d कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं और d2sp3 संकरण हो जाता है, और ये हेक्सासाइनोफेरेट की तरह है ऑक्टाहेड्रल संकुल बनाएगा, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। टेट्रामीन निकल सेकेंड सल्फेट, इसमें हम देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 4p0। निकल यहाँ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए 3d में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगर नहीं है, इसलिए यहाँ पे sp3 संकरण होगा, डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए sp3 संकरण होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा। इसी तरह से अगर हम ले पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, जिसमें कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए निकल के अंदर के ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण में, और डी ऑर्बिटल की पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, और एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और d2sp3 संकरण होगा, और d2sp3 संकरण के कारण यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, और चूंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इसलिए इसका नेचर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। निकल इस कॉम्प्लेक्स में निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन अवस्था में d8 विन्यास मुक्त है, लेकिन क्लोराइड जैसे दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में अगर निकल में क्लोराइड कॉम्प्लेक्स के रूप में लिगेंड के रूप में होगा तो वहाँ पे बाहर के डी ऑर्बिटल यानी होंगे, बाहर के ऑर्बिटल भाग लेंगे, sp3 संकरण होगा उस कंडीशन में, क्योंकि क्लोराइड जो है वीक लिगेंड है। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फेलेसमोन थ्योरी। यह सिद्धांत यद्यपि संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों व ज्योमिति आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख सीमाएँ निम्न हैं। फर्स्ट है, लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं, इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा। इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की भी व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन कब आंतरिक कक्षक बनाएंगे और कब बाह्य कक्षक बनाएंगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, हाई वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, और इस लिगेंड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने के कारण यहाँ पे ये बताना संभव नहीं होगा कि मेटल कब आंतरिक कक्षक बनाएगा और कब बाह्य कक्षक बनाएगा। विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। कई संकुलों की ज्यामिति डिस्टॉर्टेड होती है, संयुक्तबद्ध सिद्धांत इसका कारण बताने में असमर्थ है। कोबाल्ट सेकेंड व कॉपर सेकेंड दोनों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या की जाती है कि यह एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचायक गुण नहीं आते। इसका स्पष्टीकरण इस सिद्धांत के आधार पर नहीं दिया जा सकता। किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कॉपर सेकेंड और कोबाल्ट सेकेंड संकुल में इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है? 3d से एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है, इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक व्याख्या भी नहीं कर सकते।
इसीलिए इन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए इससे एडवांस थ्योरी की आवश्यकता पड़ी, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिनका अध्ययन हम आगे की क्लासेस में करेंगे। धन्यवाद।